हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर। मैं इंजीनियर दीपा, आपके अपने चैनल एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए फटाफट से। गाइस एक बार पहले थम्स अप करके बताइए वॉइस एंड विजिबिलिटी ओके है आप सभी को। राम राम भाइयों। बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इस वजह से लेट हुआ, लेकिन आई थिंक अब सब सही होगा। मुकेश यादव बताए बच्चा एक बार ही फटाफट से, आप लोग थम्स अप करके बता दो। विकास वेरी गुड इवनिंग बच्चे, सभी पहले एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सभी भाई पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई बच्चा वो सारा मुकेश जी के, हमारी कोई वो दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा आसपास के कैमरे का कमाल होता है। कभी गोरे इंसान को काला बना देता है, काले को गोरा कर देता है, कुछ भी कर देता है, नेचुरल तो रखता ही नहीं है। ठीक है, चलिए खैर गोरे काले की बात को हटाते हैं, पढ़ाई पर आते हैं। बच्चे पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, गोरा काला इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है। ठीक है ना मुकेश। चलिए माय डियर, हम अपने कुछ क्वेश्चन की सीरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक इस क्वेश्चन का जवाब देना बच्चे, हृदय किससे बना है भाई? हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट किससे मिलकर बना है ये बता दीजिए। हार्ट आपका किस प्रकार की मसल से बना है? तो आपको बता दे भाई, हार्ट आपका कार्डिक मसल से मिलकर बना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको ये याद रखने का तरीका भी बताती हूँ कैसे याद रखे मैडम। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं भाई। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्डिक मसल्स का उपचार कर सकते हैं। किसका? कार्डिक मसल्स का उपचार करने में सक्षम है वो। अच्छा, अब ये बताइए जरा मुझे नेक्स्ट, मैंने ये तो मैंने बीच में से आपसे पूछ लिया, मैंने बताया हुआ था आपको ये। हेपेटाइटिस बताइए जरा भाई, हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बताइए जरा क्या है, थोड़ा सा भाई पहले रिवीजन भी करानी जरूरी है ना। हेपेटाइटिस इज द जनरल टर्म फॉर डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस कह रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा ये बीमारी, तो बताइए जरा ये हेपेटाइटिस बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, या सभी वजह से? हेपेटाइटिस का कारण बताइए जरा भाई। हाँ जी आकाश, राधे राधे भाई जवाब दें बच्चे। हेपेटाइटिस का कारण क्या है? अखिलेश जी बताएं जरा, अखिलेश गोस्वामी, हेपेटाइटिस का कारण? बिल्कुल सही, वायरस है भाई हेपेटाइटिस, बी वालों का गलत है, मनीषा सिंह का सही है। हेपेटाइटिस इज नॉट अ बैक्टीरिया बच्चे, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस है। पांच वेरिएंट है इस वायरस के, और पांच वेरिएंट कौन कौन से? ए बी सी डी ई, ये पांच वेरिएंट है। इसमें से ए और ई वेरिएंट जो है ये आप कह सकते हैं बहुत हल्का सा वेरिएंट है, कम खतरनाक है, इससे कुछ नहीं होता भाई। जैसे सिंपल देखो, नॉर्मल खांसी हो गई है तो वो आपके लिए इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वो खांसी इतनी लंबे समय तक रह जाए और वो आपका टीबी का रूप ले ले तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो यहां से हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए और ई की जो आपकी, अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस ए और ई का जो वायरस है वो आपका क्या है? हेपेटाइटिस ए और ई का जो वायरस है वो आपका कैसा है भाई? हल्का वायरस है आप कह सकते हो, जबकि बी सी डी ई वाले जो वायरस है वो आपके क्रोनिक वायरस है। ए और ई वाले कौन से? एक्यूट है भाई, मतलब ये अच्छा आपको कभी भी हो सकता है और कम समय के लिए, जबकि बी सी डी जो है वो क्रोनिक है, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, बी सी डी ये कौन से हैं? ये आपके क्रोनिक है, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। अगर एक बार जकड़ लेना तो काफी टाइम नहीं छोड़ते, ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे।
बताइए जरा, आंख से कान को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा है? आंख से कानों तक कौन सी जुड़ी होती है भाई? आंख से कानों तक कौन सी मांसपेशी जुड़ी होती है? टीबी। हाँ हाँ बताओ भाई जल्दी से। बताओ बताओ, बिल्कुल सही है भाई। सेरिब्रम या ब्लम, इनमें ध्यान दीजिएगा। सेरिब्रम या ब्लम, सेरिब्लम है बच्चे, बिल्कुल सही। आपका कौन सा? सेरिब्लम है, जो आपका याद रखेंगे किससे भाई? सेरिब्लम है ये जो आपकी आंखों को कान से जोड़ता है, आंखों को कान से जोड़ने वाला हिस्सा कौन सा है? सेरिब्लम है, ये आपको याद रखना है बच्चे। और आपको बता दूं, ये जो सेरिब्लम आपकी बात कर रहे हो, जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम की खासियत क्या होती है? आपके दिमाग का लार्जेस्ट हिस्सा, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है भाई, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है? ये आपकी दिमाग के पिछला हिस्सा, सेरिब्लम। अच्छा एक ये और बताइए, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया में क्या होता है भाई? बीमारी है ये भी। ल्यूकेमिया नाम की बीमारी, आपको बता दूं भाई, ज्यादातर बड़े व्यक्तियों में 65 उम्र से ज्यादा, यानी कि सीनियर सिटीजन में आप कह सकते हो, सीनियर सिटीजन में देखी जाती है ये बीमारी। और ये क्या कब देखी जाती है? जब उनके शरीर में, उनके खून में WBC की मात्रा बढ़ जाए। वो कहते हैं ना बच्चे कि हालांकि किसी भी चीज की प्रॉपर, किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का आप उपयोग कर रहे हो तो भाई उसका सफिशियंट मात्रा में करना। अगर एक सफिशियंट लेवल से ज्यादा लेवल पर यूज करोगे ना, तो वहां पर वो अच्छी अच्छी बीमारी भी, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। ये तुमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। अगर कोई फायदेमंद चीज भी है, उसको एक्सेस में ले लोगे तो वो नुकसान करेगी। आपका खून जो है वो दो चीजों से मिलकर, RBC WBC दो प्रकार के सेल है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपके क्या है? शरीर के इम्यूनिटी सेल्स है, आपकी भी शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन अगर उनकी मात्रा आपके खून में बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ये कब होता है? जब अव्यक्ति, ये पुरुषों में ज्यादा देखी जाता है, पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, जब आपकी WBC की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तब ये आपका ये बीमारी होती है। और कैसे इसमें पता चलता है कि इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति किसी भी आपकी बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस वाली, जहां पर बहुत खतरनाक किरणें निकलती है, उन किरणों वाली फैक्ट्रियों में काम करते होंगे ना, उन व्यक्तियों को ये, या कुछ ऐसे केमिकल जैसे जहां, जिस फैक्ट्री में बेंजीन का प्रयोग ज्यादा होता होगा, वहां पर ये बीमारी बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, ठीक है बच्चे। चलिए बताइए जरा, सही पेयर बीमारी का और उसके कारण को पकड़िए। ट्राइचनोसिस कहते हैं बैक्टीरिया, ट्राइचनोसिस कह रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से होता है, अच्छा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं कि रात को ना सो पाना, ये कहते हैं अगर आप कच्चा सुअर का मांस खाओगे तो होगा, मैंने बताया था आपको। ट्राइकनोसिस की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट बच्चे, ट्राइकनोसिस, ट्राइकनोसिस आपकी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती भाई,
ट्राइक्नोसिस आपको बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। ट्राइक्नोसिस जब आप किसी कोई भी पुरुष चाहे कोई महिला जब अगर ये आपका अगर हम बात करें तो ये जब वो यौन संबंध में आते हैं मतलब सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं तब ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एसटीडी मैं इसको नाम कहती हूँ भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। स्लीपिंग सिकनेस भाई कच्चे सुअर के मांस की वजह से नहीं होता। स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से होता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके भी कॉन्शियस रहने की वजह से, अनकॉन्शियस माइंड का भी कॉन्शियस रहने की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। यानी कि आपको क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस की अगर बात करें तो इसके कारण है स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन। ठीक है, एथलीट फुट बिल्कुल सही है भाई, एथलीट फुट आपकी किस वजह से होती है, एथलीट फुट याद रखेंगे भाई फंगस की वजह से ही होती है। एथलीट फुट मैंने आपको बताया था, ये एथलीट फुट इसको नाम क्यों दिया गया क्योंकि इसका कारण यह है जब आप ये सिंपल सा आपके पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होना, रगड़ आना, पसीना आना, ये एथलीट फुट है। और जब एथलीट का मतलब क्या है कि जो आपके खेल कूद वाले हमारे जवान हैं वो जब भाग दौड़ कर रहे होते हैं ना तो उनको ये समस्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि शूज डालने होते हैं, शूज में गर्मियों में बहुत ज्यादा ये समस्या आती है। और आपको बता दें ये फंगस की इसको एक फंगस इंफेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल हम इसको फंगस इंफेक्शन भी कह देते हैं। और ये कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर व्यक्ति पूरा सही है तो ये आप इसको लेट इट भी कर सकते हो। इसका एकमात्र इलाज, वैसे आप लोगों ने सुना भी होगा जब पैरों में खुजली होती है तो मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखो, पैर धो के आ जाओ। और अगर बहुत अच्छा करना है एथलीट जो खेल कूद के खिलाड़ी होंगे उनको जरूर पता होगा गर्म पानी से पैर धो के आ जाना, रेगुलर गर्म पानी से पैर धोइएगा, ये होगा ही नहीं। और अगर हो गया हो ना, हो गया हो, ध्यान से सुनना, एक आपके घरों में ही एक टर्म देखी जाती है बेकिंग सोडा, ये देखा होगा भाई आपके घरों में ही पाया जाता है, गर्म पानी में बेकिंग सोडा डाल दीजिए, सिकाई कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है गरम पानी में बेकिंग सोडा डाल के पैर अपने वॉश कर लो, ठीक हो जाएगा ये। और ये बिल्कुल बारिश के उसमें भी होता है, और ये पता है क्या सर्दियों में भी कई बार होते हैं, सर्दियों में ना लोगों के हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियां सूजती हैं, वो हालांकि एथलीट फुट नहीं है लेकिन उसका भी आप ये इलाज कर सकते हो। मेरे खुद के हाथ पैर सूज जाते हैं भाई सर्दियों में, खून जम जाता है, तो उसके लिए भी आप यही करो कि गर्म पानी में बेकिंग सोडा डाल के वॉश कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और फिर आ गया मेनजाइट्स। अगर मैं मेनजाइट्स की बात करूं तो मेनजाइट्स भाई प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता, ये बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपकी किससे, ये आपकी ब्रेन से संबंधित, ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे देते हैं राजू यादव। चलिए अगले का जवाब दीजिए, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेकर जाती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है कौन सी ब्लड वेसल, बताएं भाई। इसका आंसर दीजिए बच्चे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिए, बताओ भाई बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, धमनी होगा, बिल्कुल होगा धमनी, मैंने खुद ही बता दिया था। लेकिन कौन सी धमनी ये भी बताओ,
कौन सी धमनी, अब पुल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी या पुल्मोनरी वेन, वेन तो है ही नहीं, आर्टरी है, बिल्कुल सही है, और वो कौन सी है, पुल्मोनरी आर्टरी, महाधमनी आपकी, बिल्कुल सही। अब यहां पर अगर मैं यहां पर इन सब की बात करें, सबके बारे में पता होना चाहिए, आपके शरीर में ही पाई जाती है। आपको पता है कि आपके शरीर खून में, खून में ऑक्सीजन कहां मिलती है भाई, खून ऑक्सीजन कहां से लेता है? देखो आप बोलते हो ना कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो खून को ऑक्सीजन, खून को ऑक्सीजन कहां से मिलती है बच्चे, लंग से मिलती है, फेफड़ों से मिलती है, ठीक है? नहीं बच्चे, खून को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, फेफड़ों से मिलती है, क्योंकि फेफड़ों में मौजूद है ऑक्सीजन। अब क्या होता है सुनिएगा, आपको बता दूं यहां पर जितनी भी आर्टरी है, आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी और वेन का काम सुनिए, आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से खून को लेकर जाना, हार्ट से खून लेकर जाना, खून लेकर जाना, दूर लेकर जाना, मतलब दूर लेके जाना यानी बाकी शरीर के हिस्सों में। और वेन का क्या काम होता है, वेन का काम होता है हार्ट के अंदर खून लाना, हार्ट में खून लाना, रक्त लाना, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अब टाइप ऑफ आर्टरी, टाइप ऑफ वेन की भी बात करेंगे, आर्टरी का काम क्या होता है, खून को आपके हृदय से दूर लेके जाना, और वेन का काम क्या है, हृदय के करीब लेकर आना, ठीक है भाई, वेन का क्या काम है, खून को हृदय के पास लाना। अच्छा, लेकिन 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 इसमें सिर्फ, अब यहां पर ध्यान देना, जब ये खून बाहर लेकर जाती है तो भाई इसमें ये खून बाहर कहां लेके जाती है, शरीर के बाकी हिस्सों में, तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब इसमें खून की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब क्या हुआ भाई, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली, अब वो खून क्या करता है, वापिस से आपके हार्ट में आ जाता है वेन के द्वारा, यानी कि ये पुअर ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आती है, पुअर ओ2 ब्लड को हृदय के अंदर लेकर आती है वेन्स। अच्छा ठीक है, फिर यहां पर बात आई कि इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, अब कहते हैं लेकिन, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं, सभी आर्टरीज का काम है, ध्यान से सुनना, सभी आर्टरीज का काम है हृदय से खून को लेकर जाना, और जब लेकर जाएंगी तो वो ऑक्सीजन उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, और वेन्स का काम है खून को हृदय में लेकर आना, और जब वो लेकर आ रही होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, एकमात्र, कई सारी प्रकार की आर्टरीज है, कई सारी प्रकार की वेन्स है, लेकिन 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 एकमात्र ऐसी पुल्मोनरी आर्टरी, जिसे आप महाधमनी कहते हैं, एकमात्र ऐसी आर्टरी है आपके शरीर में जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि वेन के काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, ठीक है भाई, बात समझ में, पुल्मोनरी आर्टरी है जो आपके कम ऑक्सीजन वाले खून को हार्ट और लंग के बीच में रोटेट करती है, ठीक है, एकमात्र एक्सेप्शन है, ठीक है भाई, तो यहां वही उसने पूछा था, याद रहेगा, याद रहेगा ना, रहित और युक्त में क्या, अरे भाई ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन है, रहित और युक्त क्या, हिंदी भी समझाऊं अब फ्रेंडोज, भाई जिस जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है और जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें नहीं है तो वो रहित हो गया, जिसमें ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन युक्त हो गया। और एरोटा क्या होता है, आपको याद रखिएगा, अगर मैं एरोटा की अगर बात करूं, महाधमनी, देखो इसके नाम से पता चलता है, एरोटा महाधमनी, महाधमनी आपकी क्या होती है बच्चे, एरोटा आपकी पूरे पूरे हृदय में आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है,
ये आपकी क्या है भाई, लार्जेस्ट आर्टरी, पूरे शरीर की आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है, याद रखिएगा, जो हार्ट से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड फ्लो कर पाती है, ठीक है। और फ्रेंडोज जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप दोनों पढ़ लीजिए भाई, अगर हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में पढ़िए। बताइए अगले क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से मानव शरीर की कौन सी वृद्धि सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन से प्रभावित नहीं है? आपका शरीर का कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन की जरूरत नहीं होती, बताएंगे? बताएं भाई जल्दी से, ध्यान से जवाब देना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करें आज आप लोगों के लिए। आपको बता दूं बच्चे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को HGH के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGH का मतलब क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH के नाम से भी जाना जाता है, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पे कह रहा है कि कौन सा हिस्सा इसी की ग्रोथ, इसी हार्मोन की वजह से बढ़ता है आपके शरीर का, आपके शरीर की हड्डियां, बाल, मसल्स या फिर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा हिस्सा है जो इसी HGH की वजह से बढ़ता है? हालांकि बालों के लिए तो मैं बता दूं भाई, कैरेटीन जरूरी है, और कैरेटीन आपका एक प्रकार का प्रोटीन है भाई। कैरेटीन क्या है? प्रोटीन है जो कि आपके किससे, एमिनो एसिड से बनता है। बालों की ग्रोथ के लिए कैरेटीन चाहिए, और कैरेटीन आपका एक प्रकार का प्रोटीन है, और प्रोटीन आपके एमिनो एसिड से बनते हैं। तो ये बाल तो कट गए। अब HGH की बात करें, मैंने बोला सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये। अब आपका ये, अगर मैं बात करूं ना, ये दरअसल आपकी पूरी ओवरऑल शरीर की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से आपकी हड्डियों की, अगर ये हॉर्मोन्स की कमी होगी तो आपकी हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, मजबूत नहीं होंगी, और अगर आपकी ये हॉर्मोन्स आपके पूरी मात्रा में आपके शरीर में उपलब्ध है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, तो आपकी शरीर की हड्डियां जो है वो पूरी सही तरीके से ग्रो करेंगी। हड्डियों की मजबूती, हड्डियों के लिए ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये HGH। लेकिन याद रखिएगा, हड्डियों के साथ साथ ये आपकी कुछ मसल्स और शरीर में फैट, जो ये चमड़ी आपकी बन जाती है, तो आपके मसल, फैट और कुछ टिश्यूज के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि हम मसल्स भी चुन सकते थे, कनेक्टिव टिश्यूज भी चुन सकते थे, लेकिन जो यहां पर बोन भी दिया हुआ था, या तो ऑप्शन देता ACD तीनों, एक ऑप्शन देता ACD तीनों, लेकिन वो नहीं दिया था। तो सबसे ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा भाई हड्डियां हैं। हड्डियां आपकी HGH के बिना ग्रो करेंगी ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और बताइए जरा, HGH कहां पाया जाता है? HGH आपके शरीर में कहां पाया जाता है? ये हार्मोन शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है भाई? बिल्कुल, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा की बात करेंगे ना, बताओ जरा, ये HGH की मैंने बात करी बच्चे आपसे,
हां जी शिवकांत, विकास ये कहां पाया जाता है? किस ग्रंथि में? हाँ बिल्कुल सही। तो इसका समाधान याद रखिएगा, इसका सॉल्यूशन है पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई आपका कहाँ पाया जाता है? अभी बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, याद रखेंगे। और आपका याद रखिएगा बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये होती कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग, ये कहाँ होती है? लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में, दिमाग के निचले हिस्से में, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग के निचले हिस्से में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, HGH किससे बना है? HGH किससे बना है? क्योंकि भाई आपके शरीर की बात है तो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपका किससे बना है, इसके बारे में सारी बातचीत कर लीजिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपका किस किस चीज से बनता है? जैसे मैंने प्रोटीन बताए थे, प्रोटीन आपके किस से? एमिनो एसिड से बनते हैं। तो ये किससे बना होता है बताइए जरा, ये किससे बना होता है भाई? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपका याद रखिएगा, ये भी एमिनो एसिड से बनता है। लेकिन आपको बता दूं इसकी खासियत है, ये स्पेशल 191 एमिनो एसिड से, 191 एमिनो एसिड से बनता है। कितने? 191 एमिनो एसिड। इतनी सारी बातें इसकी याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बताओ भाई, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिसीज एंड इट्स अफेक्टेड पार्ट। ये आपको कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं और साथ में क्या कहता है, यहां पर कुछ बीमारियों के नाम और वो पूछ रहे कि किस किस क्षेत्र में होते हैं वो बताइए। भाई ये जो हर क्वेश्चन पे इतना सारा आप लोगों को डेटा दिया जाता है ना, नोट कर लीजिए। पता है क्या, ये पेपर में अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो ये याद रखिएगा कि आपको ना अगर 10 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 10 क्वेश्चन ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ कि कम से कम आपके उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। इतनी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? कह रहे कैरीज एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी, रिंग वॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिनजाइटिस चीज, निमोनिया लंग। ये तो सभी ने पकड़ लिया भाई, बिल्कुल सही है। निमोनिया का संबंध किससे है? लंग से है। निमोनिया का संबंध किससे है? लंग से है। मैंने अभी मेनिनजाइटिस की बात करूं, मैंने अभी बताया था मेनिनजाइटिस का संबंध टीथ से नहीं है, मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है भाई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से है। ब्रेन और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से है भाई, दिमाग और रीढ़ की हड्डी से। दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर ना मेनिनजाइट नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसका सूज जाना, उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है तब ये मेनिनजाइट्स बीमारी बन जाती है, ठीक है? अच्छा तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद आ गया रिंग वॉर्म। अब यहां पर मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग सुन के हैरान होगे बच्चे, ये रिंग वॉर्म कौन सी बीमारी है? रिंग वॉर्म कौन सी बीमारी है? ना पता हो तो आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था एथलीट्स फुट के बारे में, एथलीट्स फुट के बारे में बताया था कि जिसमें क्या हो रहा था, पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली हो रही थी, लाल लाल आपका बन रहा था, पसीने आ रहे थे। तो ये एथलीट फुट को ही बायोलॉजिकल टर्म्स में रिंग वॉर्म कहा जाता है और कुछ नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है? एथलीट
फुट को ही रिंग वर्म कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे हो गया भाई, इसका संबंध है पैरों से, तो ये भी गलत हो गया। फिर आ गया कैरीज। अब कैरीज भी किसी एक सिंपल सी बीमारी का ही नाम है, ध्यान से सुनना। हाँ, रिंग कैरीज आपको बताऊं, इसको कैविटी भी कहा जाता है। कैविटी सुना होगा ना, ये जो चॉकलेट्स खाते हैं भाई, चॉकलेट खाते हो, तो चॉकलेट भाई यहां पर क्या हो गया, गोविंद चौधरी पढ़ाई कर ले। कैरीज भाई कैविटी से संबंधित है। कैविटीज कहां पर होती है भाई, कैविटीज का मतलब है आपके दांतों से, दांत की एपिडर्मल टिश्यू होती बॉडी, ठीक है, बात समझ आ गई भाई। कैरीज का मतलब है कैविटी, कैविटी कहां होती है, दांतों में होती है। बताओ नेक्स्ट, हे फीवर, बताओ भाई जल्दी। अब कह रहे हे फीवर, हवा में किसकी उपस्थिति के कारण एक सिंपल एलर्जी है भाई, जैसे आपको धूल मिट्टी होती है ना, तो धूल मिट्टी से क्या होता है, खांसी जुखाम हो जाता है भाई। धूल मिट्टी वाले एरिया में रहे तो क्या हो जाता है, खांसी जुखाम हो जाता है। तो उसने यही बोला है कि ये हे फीवर जो है ना, इनमें से किसी एक की उपस्थिति की वजह से होता है, धूल, धुआं, पराग या नमी। बिल्कुल सही है भाई, पराग, पोलन की वजह से। इन पोलन को क्या कहा जाता है, हे फीवर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेना, ये एक सिंपल एलर्जी है भाई, एलर्जी जिसके, ये पोलन जिसके एलर्जेंट है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, ये पोलन की वजह से, या फिर आपको बता दूं, जो भी आपके फर वाले एनिमल्स होते हैं ना, फर वाले एनिमल्स, जैसे कि आपकी बिल्ली, फर वाले एनिमल्स, फर या फीदर वाले जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल भी अगर दूं तो बिल्ली, कैट, डॉग, इन सब के काटने की वजह से भी होता है। बिल्ली कुत्ता काट लेंगी ना, तब भी ये हे फीवर हो जाता है, तभी तो पोलेंस आते हैं, बात समझ में आई। अगले का जवाब दो, नेक्स्ट का आंसर दीजिए भाई। तुम लोग सेशन शेयर नहीं करते, ऐसे कैसे मजा आएगा, तभी मैं खुद यही कह रही हूं सोनू सिंह जी, सेशन शेयर ही नहीं करते आप लोग। बताओ विकास जी, निया समझ आ रहा है, एक बार करो भाई सभी बच्चे सेशन शेयर। यहां पर क्या कह रहा है, सेकंड, अरे फ्रेंडोस पढ़ लो, कह रहा है कि जब डीओटी को कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस जीव का व्यवहार गड़बड़ा जाता है। गलत, केचुआ वाले गलत हो गए। यहाँ पर सुनिए जरा, आपके यहाँ पे डीओटी क्या है पहले तो ये पता हो भाई, डीओटी क्या है, डीओटी की अगर बात करूं, सही है भाई, फिश वाले सही है। डीओटी क्या है, ये ना एक आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं भाई, क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, डीओटी पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग आपकी फसलों को बचाने के लिए किया जाता है।
ठीक है भाई, आपकी फसलों को किस किस से, आपकी फसलों पर कोई इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स हो गए या अर्थवॉर्म हो गए, इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जो कि फसलों को तो फसलों के को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनको जितने भी जो अनदर इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जो कीट मकोड़े हैं, उनसे बचाते हैं। तो अब बच्चे यहां पर बच्चे कह रहे हैं केचुआ अर्थवॉर्म, अरे बेटे इसको तो हम मारने के लिए ही तो डालते हैं पेस्टिसाइड्स, ताकि ये मेरी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, इसका थोड़ी ना कोई पैटर्न बिगड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं फिश, जब भाई उन्हीं पेस्टिसाइड्स को तुम क्या कर दोगे, एक्वेटिक एनिमल्स पर डाल दोगे, मतलब आप पानी में डाल देते हो, तो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि मछली के ऊपर अगर पड़ेगा तो वो मछली के लिए बना ही नहीं था भाई, मछली के लिए वो बना ही नहीं है, तो मछली का व्यवहार चेंज हो जाता है, वो चिड़चिड़ाहट वायलेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा, हो सकता है जो शांत मछली भी थी वो एग्रेसिव हो जाए, या हो सकता है उसके कुछ शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे। ले तो यहां पर क्या है कि आपका सही जवाब मछली, मेंढक कछुआ केचुआ इन सब से तो बचाने के लिए हम यूज करते हैं भाई, ठीक है, लेकिन मछली का, मछली के लिए पेडियोटी नहीं बना, अब तुम जब भाई वो उसके लिए बना ही नहीं है, तुम जबरदस्ती डाल दोगे तो क्या होगा, तो भाई वो चिड़चिड़ाईपन ही आएगा, उसके मतलब व्यवहार बदल ही जाएगा। मैड काउ डिसीज का क्या कारण है भाई, मैड काउ डिसीज का कारण बताएं बच्चे क्या है, मैड काउ डिसीज मैड काउ डिसीज भाई, पागल गाय रोग, गलत हो गए भाई, बैक्टीरियम की वजह से नहीं, वायरस की वजह से नहीं, ये प्रियोन की वजह से होता है भाई, मैड काउ डिसीज आपका ये किसमें, आपको बता दूं भाई प्रियोन, आपके प्रियोन की वजह से होता है, और आपको बता दूं ये सबसे पहले, ये बीमारी ना सबसे पहले, हां जी बिल्कुल सही है सोनू जी, ये बीमारी सबसे पहले आपके यूके में देखी गई थी, यूके भाई उत्तराखंड मत लेना, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, ये बीमारी सबसे पहले आपकी किस में देखी गई थी, यूनाइटेड किंगडम में देखी गई थी, और याद रखिएगा ये बीमारी ज्यादातर आपकी किस में, एडल्ट कैटल्स में, एडल्ट गांव में होती है, एडल्ट मतलब जो आपकी यंग गायें होंगी उनको आप क्या कहते हो, कैटल्स कहते हैं, इसलिए मैंने क्या गांव नहीं लिखा, जी हाँ एडल्ट कैटल्स में होती है याद रखिएगा। तो यहां पर यूके में सबसे पहले देखी गई थी, इसमें क्या होता है कि आपकी गाय का संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और वो हो सकता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाए, नहीं बच्चे नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है, बहुत ज्यादा इवन आप कह सकते हो नर्वस भी हो जाती है, कई बार नर्वस भी हो जाती है और कई बार बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाती है, ठीक है, जिससे ना गाय को उठने चलने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको बता दूं ये बीमारी आपकी ऐसी है भाई, अगर आप ऐसी, हालांकि आप लोगों को अच्छे से पता है हमारा संविधान कहता है गाय का मांस आप नहीं खाएंगे, गाय की मीट नहीं खाते, लेकिन कुछ भाई हम कह नहीं सकते क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, तो कुछ लोगों का भरोसा नहीं है। तो आपको बता दूं जो व्यक्ति इस ऐसी गाय का मांस खाते हैं ना, तो उन व्यक्तियों में भी, उन व्यक्तियों के भी दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, उनका भी थोड़ा बहुत मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है।
ये बीमारी, हालांकि आपको बता दूं भाई, ये बीमारी आपके इंसानों में नहीं देखी जाती, लेकिन 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 यद्यपि कोई व्यक्ति इस क्या करेगा, इस ऐसी गाय का मांस का सेवन करता है तो उस व्यक्ति के भी मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, याद रखिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, अगली क्लास का वक्त हो चुका है, ये आपके सभी के लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है भाई। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, इसका जवाब आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करूंगी बच्चे, अब मिलेंगे हम आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, कल तो हो सकता है शायद ना मिले, परसों नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलना होगा भाई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।